अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं रब नवाज़ खान और आप देख रहे हैं अब्बासी टीवी। दोस्तों मेरे पास ये 20 एम्पेयर का बैटरी चार्जर आया है जो इस वक्त बिल्कुल डेड पोजीशन में आया है, जिसे मैं बनाऊंगा, बनाकर आप दोस्तों को दिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल अब्बासी टीवी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जो दोस्त मेरे चैनल पर पहले से हैं उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। तो दोस्तों शुरू करते हैं काम को। मैं इसमें पहले आपको दिखाता हूँ जी, इसमें एसी वोल्ट यानी कि वाप्टा आ रही है, ठीक है। सुई वाले मीटर पर मैं आपको इसके वोल्टेज चेक कराऊंगा 250 की रेंज पर रखकर। ये मीटर हमें एसी डीसी दोनों दिखाता है। ये इस वक्त जो है ना डीसी की रेंज पर है, एसी की रेंज पर है, सॉरी दोस्तों। तो ये देखें, इधर हमें 220 वोल्ट मिल रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं इसके डीसी। तो मीटर की सुई को मैं चेंज कर लेता हूँ और इधर जो है ना हमारा एलईडी दिखाता हूँ आपको। इसकी एलईडी भी ऑफ है, वो नीचे दो एलईडी खड़ी हैं, रेड और ग्रीन, ठीक है। तो ये भी ऑफ है, तो इसकी एक हम रेड पिन पर रखेंगे और एक इधर जम्पर होता है मैनेज का कट ऑफ आईसी के साथ, तो एक इधर। ये देखें हमें इधर वोल्टेज बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो चेक करते हैं दोस्तों फॉल्ट। हम थोड़ा सा ब्रश मार लेते हैं इधर से, इसका मिट्टी कचरा साफ कर लेते हैं। देखें कैसे डस्ट के साथ भरा हुआ है। ये पहली बार दोस्तों तकरीबन रिपेयर हो रहा है, ठीक है। और ये न्यू मॉडल में है, ये पंखा भी डायरेक्ट चलाता है और बैटरी भी चार्ज करता है। ये ऊपर स्विच लगा हुआ है पंखे का, इधर डायरेक्ट वोल्टेज आते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम इस तरफ से भी जो है ना साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये UC3843 है, ठीक है। इसमें ऐसी और ये कैपेसिटर खड़ा है इसके साथ, ये देखें, ठीक है। ये 22 UF 50 वोल्ट में है, इसमें हमें वोल्टेज मिलने हैं डीसी, ठीक है। अगर ये हिस्सा चालू होगा तो आगे वोल्ट जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ जी, इधर हमें देखें, ये इधर वोल्टेज मिलने हैं। अगर हमें इधर 12 वोल्ट 8 वोल्ट 9 वोल्ट नहीं बन रहा है इस कैपेसिटर पर, तो समझो हमारा ये UC3843 खराब है। इधर हमें वोल्टेज मिलने चाहिए हर हाल में। देखें इधर हमें जो है ना वो डीसी वोल्ट मेन कैपेसिटर पर आ रहे हैं, लेकिन इधर नहीं बन रहे, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम इसका UC3843 चेंज करेंगे। देखें ये दोस्तों पहली दफ़ा चेंज हो रहा है और आप दोस्तों के सामने चेंज करूँगा, इंशाल्लाह ये हमारी सप्लाई इसी से ही क्लियर हो जाएगी। तो मैं शक्कर उठा लूँ तो इस आईसी को हम करते हैं ओपन शक्कर की मदद से, एक एक टांका। तो कैपेसिटर को हमने किया जी डिस्चार्ज। तो इसको हम कर रहे हैं जी ओपन, ठीक है जी। एक एक पेन शक्कर की मदद से हम ओपन कर रहे हैं, बहुत प्यारे तरीके से ओपन हो रही है जी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमने ये पिन ओपन कर ली। अब कर रहे हैं हम दूसरे हिस्से की, 8 पिन वाला ये ऐसी होता है जी UC3843। अगर आप 3843 लगाएं, 42 लगाएं, 45 लगाएं, इस पर ये जो सारे ऐसी हैं ना मैच कर जाते हैं। 42, 43, 45 कोई भी यूज कर सकते हैं इस पर। तो इसको हम निकालते हैं जी पुराने को। तो ये हमने किया जी ओपन, ठीक है। ये देखें जी UC3843, ठीक है। ये कैमरे में आपको तकरीबन नजर आ रहा होगा, तो ये हमने रख दिया इधर। तो डब्बी में मैंने रखे हुए हैं आईसी और FT2060, ठीक है। ये देखें शापर में मेरे पास काफी सारे पड़े हैं दोस्तों। इधर से हम एक 3843 निकाल लेते हैं ऐसी, ये फ्रेश पीस पड़े हैं हमारे पास और ओके हैं। तो ये निशान वाला हिस्सा आपने करना है जी उधर निशान की तरफ, ऐसी को उल्टा नहीं लगाना, उल्टा लगाएंगे तो आपकी सप्लाई बिल्कुल नहीं चलेगी। तो ये हमने लगा दिया जी इसमें ऐसी,
करते हैं हम कावे की मदद से इसको शोल्ड। ये हो गया जी शोल्ड, ठीक है जी, चार पिन शोल्ड हो गई। और ये दूसरी चार पिन शोल्ड हो गई, देख सकते हैं दोस्तों हमने बहुत प्यारे तरीके से ऐसे ही लगाया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम करते हैं जी इसको स्विच लगाकर चेक, ये FET हम चेक कर लेते हैं। ये देखें दोस्तों FET हमारी चार्ट नहीं है, ये 20 इन 60 होता है, 15 इन 60 होता है इसमें, ठीक है FET। तो अब हम लगाते हैं जी इसका 220 वाला स्विच उधर से। तो ये हमारी LED भी आप दोस्तों के सामने आ गई। तो देखें दोस्तों हमारा ये बैटरी चार्जर ऑन हो चुका है। तो मैं इसके आपको कैपेसिटर पर भी अब वोल्ट दिखाता हूँ, ये फैन भी चल रहा है इसका, ठीक है, LED भी जो है ना ग्रीन कलर वाली ऑन हो चुकी है। तो मैं मीटर को रखता हूँ आप दोस्तों के सामने, तो इसके मैं आपको 12 वोल्ट भी चेक कराता हूँ, ठीक है, कैपेसिटर वाले जो नहीं बन रहे थे। ये देखें जी ये हमारे 12 वोल्ट बन रहे हैं हमारा कैपेसिटर पर जो आ गए। तो ये हमारे देखें इधर भी आगे वाले 12 वोल्ट भी ओके हैं हमारे।